क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड है, उदाहरण नंबर सेकंड है। अमित बाबू एवं चारुवे कपड़े 2015 को एक व्यवसाय हेतु साझेदारी फर्म स्थापित करते हैं। उन्होंने क्रमशः 50,000, 40,000 तथा 30,000 रुपये पूंजी के रूप में लगाया है और वे 3:2:1 अनुपात में लाभ व हानि की भागीदारी के लिए सहमत हैं। अमित का प्रति माह 1,000 रुपये वेतन के रूप में प्रति माह, यहाँ पे दिया गया है प्रति माह, यहाँ पे प्रति माह 1,000 रुपये, प्रति माह 1,000 रुपये वेतन के रूप में दे तथा बाबू को प्रति वर्ष कमीशन के रूप में, प्रति वर्ष कमीशन के रूप में यहाँ पे बाबू को दिया जा रहा है, प्रति वर्ष कमीशन, प्रति वर्ष दिया जा रहा है, ठीक है। तो प्रति वर्ष कमीशन के रूप में कितना दिया जा रहा है, 5,000 रुपये दे है। इसके साथ यह भी प्रावधान है कि पूंजी पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दे होगा। इस वर्ष के आरंभ, इस वर्ष के कारण अमित, अमित ने कितना किया है इस वर्ष, कारण कितना किया अमित, अमित किया आरंभ 6,000 और क्या किया 4,000 बाबू ने किया, और 4,000 बाबू ने किया और चारू ने 2,000 का किया, ठीक। जब ये सब 2,000 का किए हैं तो आरण पर ब्याज के रूप में अमित से 270 रुपये, आरण के ब्याज में अमित से 270 रुपये, बाबू, बाबू के आरण कितना होंगे 180 रुपये तथा चारू के कितना होंगे, चारू के भी होंगे, चारू के भी होंगे 180 पर भारित ये हैं। लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कुल निवल, निवल लाभ 31 मार्च, लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कुल निवल लाभ 21 मार्च 2016 समाप्ति पर 35,660 रुपये तथा साझेदारों के बीच लाभ एवं हानि वितरण को दिखाने हेतु लाभ एवं हानि नियोजन खाता तैयार करें दिया हुआ है। हल, हल दिया हुआ है, हल के माध्यम से यहाँ पे ये हल है, हल के माध्यम से यहाँ पे हम करेंगे लाभ एवं हानि नियोजन खाता, इसको बनाएंगे लाभ नियोजन खाते के माध्यम से बनाएंगे और यहाँ पे हमारा रहेगा विवरण रहेगा, राशि रहेगा और यहाँ पे विवरण भी रहेगा और यहाँ पे इन सब का एक कॉलम है, प्रारूप है, इस प्रारूप के माध्यम से लाभ हानि खाता नियोजन करेंगे। तो यहाँ पे नाम है, नाम लाभ एवं हानि नियोजन खाता बनाना है तो इसको करना क्या होगा, हमारा विवरण है, विवरण पर यहाँ पे इन लोग का पूरा एंट्री आएगा। यहाँ पे सबसे पहले, उससे पहले यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि अमित का वेतन, अमित का वेतन कितना था यहाँ पे, अमित का वेतन यहाँ पे देखना पड़ेगा, अमित का वेतन कितना था यहाँ पे, अमित मिला था, यहाँ पे गलती किया हुआ है, यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे अमित का वेतन है, अमित का प्रति माह वेतन है, यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है 1,000 और यहाँ पे 12,000 दिया, इसके बाद हम इसको मनाएंगे। और यहाँ पे बाबू का कमीशन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, बाबू का कमीशन यहाँ पे कितना है, कमीशन यहाँ पे बाबू का दिया हुआ है प्रति माह, प्रति माह बाबू, प्रति माह बाबू का कमीशन है यहाँ पे, प्रति माह बाबू का कमीशन यहाँ पे क्या है, प्रति वर्ष है, वर्ष है, वर्ष कमीशन के रूप में कितना है 5,000 दे रहा है, ठीक है। तो दे है, यहाँ पे एंट्री हो गया कमीशन, यहाँ पे एंट्री हो गया कमीशन, यहाँ पे कमीशन, यहाँ पे कमीशन हो जाएगा। कमीशन एंट्री होने के बाद यहाँ पे पूंजी पर ब्याज यानी कि कैपिटल, कैपिटल तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ पूंजी पर ब्याज यहाँ पे है, तो अमित का कितना है यहाँ पे, अमित का 3,000 दिया हुआ है, यहाँ पे अमित का 3,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख, तो यहाँ पे है पूंजी पर ब्याज है, तो पूंजी इतना है, अमित का कितना है, अमित का 50,000 है यहाँ पे, अमित का यहाँ पे 50,000 है और यहाँ पे बाबू का 40,000 है और चारू का है 50,000, तो इसका वेतन निकालना होगा यहाँ पे हमें, वेतन जो है ना पूंजी है इसके ऊपर ब्याज निकालना होगा, ब्याज कितने परसेंट यहाँ पे दे रहा है हमको, ब्याज कितने परसेंट मिल रहा है यहाँ पे, पूंजी पर ब्याज कितना 6% के रूप में मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 6% के रूप में ब्याज मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ इसको ब्याज निकालेंगे, कितना निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा 3,000 वेतन है, पूंजी पर ब्याज हम दे रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमित का यहाँ पे 3,000 ब्याज देगा आपका, अमित का यहाँ पे 3,000 ब्याज है, उसके बाद हम बाबू का देख रहे हैं यहाँ पे, बाबू का, बाबू का कितना परसेंट दे रहा है ब्याज, बाबू का भी 6% ब्याज दे रहा है, यानी कि सारे जो 3,000 है उन सभी को 6% ओनली 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 6% पे ब्याज दिया जाएगा पूंजी पर। तो इसका अब 6% का हम निकालते हैं ब्याज यहाँ पे, 30 रुपये का 6% ब्याज को 40,000 से इसको निकालते हैं, कितना आएगा 40,000 का 6%, तो यहाँ पे देखते हैं इतना कर दिए, इतने करने के बाद हम इसको बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद इसको, इसको भाग करेंगे, भाग करने के बाद तो यहाँ पे मेरा आया 2,400, तो यहाँ पे अब हम जाएंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आया 2,400, यहाँ पे अमाउंट आया हमारा बाबू का, बाबू का अमाउंट आया 2,400, तो हमारा यहाँ पे आया 2,400, यहाँ पे आया इसका ये बाबू का, बाबू का 2,400 आया यहाँ पे अमाउंट, इसका ब्याज आया पूंजी पर ब्याज आया 2,400। अब इसका देखते हैं चारों का कितना होता है, सही होता है कि गलत होता है, तो इसके अनुसार से यही बनेगा और इसको पूरा ये जो ब्याज है ये ब्याज को हम यहाँ पे लिखेंगे, एंट्री करेंगे और ये जरूरी होगा, लाइन से करोगे तब भी, नहीं लाइन से करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर नीचे हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन ये जो बड़ा अमाउंट होता है ना, बड़ा अमाउंट नीचे आना जरूरी होता है, तभी थोड़ा सा चलाएगा, देखने में भी समझ आएगा, जैसे अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे कितना है,
हमारे चारू का कितना रहा है यहाँ पे, चारू का है कितना पूंजी कितना है यहाँ पे 3,000, इसको 3,000 को सब ब्याज निकालेंगे हम, कितना निकालेंगे 3,000 का ब्याज निकालेंगे हम, 3,000 का ब्याज निकालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है 3,000 का ब्याज निकालेंगे हम। और यहाँ पे देखते हैं कि 3,000 का ब्याज कितना होता है, 30,000, 30,000 का ब्याज निकला यहाँ पे हमको पूंजी पर, 30,000 का ब्याज निकला है, 3,000 पे 30,000 का, 30,000 का ब्याज निकला हमको यहाँ पे, तो 30,000, तो यहाँ पे हमारा 1,800 टोटल अमाउंट आया, टोटल अमाउंट 1,800 यहाँ पे हमने दिखाई दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा अमाउंट है जो सही आया है, और यहाँ पे ये जो है चारों का जो है, चारों का ये यहाँ पे मिला हमको 1,800 का मिला, यहाँ पे हमको ब्याज मिला पूंजी पर 6% के हिसाब से, चारों का 30,000 का ब्याज 1,800 रुपये निकला, और इसको इसको हम जोड़ दिए, प्लस कर दिए, प्लस करने के बाद यहाँ पे जोड़ते हैं कितना था सही है गलत, तो जोड़ने के बाद यहाँ पे 720 आएगा आपको, 7,000, 7,200 आएगा, 7,200 आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे जो हमारे यहाँ डेबिट है ये जो होगा डेबिट है, और इधर जो है हमारा बाई साइड है, बाई साइड में हमारा यहाँ पे क्रेडिट आएगा, यहाँ पे क्रेडिट करने के बाद ये जो हमारे है यहाँ पे निवल, निवल का लाभ है यहाँ पे आरण पर ब्याज है, अमित बाबू चारू, अमित बाबू चारू का ये है ब्याज है, इसका क्या है आरण पर ब्याज मिला हुआ है, इसका आरण पर ब्याज इन लोग को मिला है यहाँ पे, लेकिन वो आरण पर ब्याज मिला हुआ किसका है, आरण पर ब्याज किसका है जो मिला है, इस लोग को लाभ यहाँ पर मिला है यहाँ पे, तो ये है अमित बाबू और चारू जो यहाँ लाभ मिला है हम लोग को यहाँ पे क्रेडिट किया है, जो लाभ मिल रहा है उसको क्रेडिट में दर्शा रहे हैं, तो इसका यह टोटल लाभ कितना हुआ है जो फर्म का लाभ मिला है यहाँ पे, टोटल लाभ मिला है कितना है 35,660 रुपया, तो यहाँ पे टोटल बाई बैलेंस डी डी बैंक है, और यहाँ पे टोटल मिला है कितना 35,660 रुपये मिला है, तो यहाँ पे इन सबों का परसेंट क्या कितना बताया जा रहा है, आरण पर ब्याज कितना बताया हमें यहाँ पे, आरण पर ब्याज को हम आएंगे फर्स्ट में कितना बताया है अमित का, कितना आरण पर ब्याज 200, 200 यहाँ पे 70 रुपये आरण पर ब्याज है, और यहाँ पे अमित का है और बाबू का, तो बाबू का आरण देखना, तो यहाँ पे हमारा अमित का, बाबू का और चारू का परसेंट निकल रहा है, तो यहाँ पे शायद हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है ये देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है बाबू का और चारू का दोनों का जो है ये परसेंट है, जो ब्याज है आरण पर ब्याज है ये दोनों किया है 180 दिया है, और मेरे हिसाब से 180 बने हैं, जो क्या है कि इसमें अमाउंट इन लोग को जो आहरण मिल रहा है आहरण के हिसाब से उन लोग का अमाउंट अलग अलग है, यहाँ पे जो है 4,000 का 2,000 इसका आधा आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा ये अमाउंट है एक चेंज हो सकता है, ये जो इसका ये आरण पर ब्याज जो दिया है आरण उसने यहाँ पे जो इसको आरण मिला है, तो आरण मिलने के बाद यहाँ पे अमाउंट है जो चेंज है, यहाँ पे जो कितना मिल रहा है 4,000 यहाँ पे है, इसको 2,000 मिल रहा है, इसका जो हमको 50%, ये जो 80 है 180 का, इसका 50% इसको यहाँ पे मिलना चाहिए, इसको चारों को मिलना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये दोनों बराबर बराबर है, इसके इससे यहाँ ये पता चलता है कि ये गलत अमाउंट है, यहाँ पे जो यहाँ पे परसेंट निकला है गलत निकला, तो यहाँ पे जो 90 है ये 90 ठीक है, और 90% मिलने के बाद, 90% मिलने के बाद इसको इसको ये जो अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो अमाउंट है इसको काउंट कर दिया हमने, इस अमाउंट को जोड़ने के बाद यहाँ पे जब ये सबको आप जोड़ोगे, जोड़ने के बाद यहाँ पे 540 मान लो कि 5, तो यहाँ पे 540 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 540 लिखा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हमारा अमाउंट आ गया, क्या अमित बाबू और चारू का आरण पर एक हमारा यहाँ पे ब्याज मिला, आरण पर ब्याज मिला, और यहाँ पे हमको अमित बाबू चारू का यहाँ पे पूंजी पर ब्याज मिला, मिलने के बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे लाभ की भागीदारी है यहाँ पे, और अमाउंट को इन दोनों को यहाँ पे ये जो अमाउंट है इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि दोनों अमाउंट को, दोनों अमाउंट को जोड़ने पर ये दोनों अमाउंट है 540 और 35,660 को जोड़े पर यहाँ पे 36,200 अमाउंट आ रहा है, 200 अमाउंट आने के बाद यहाँ पे डेबिट में हमको यानी कि समापन में सॉरी विकलन में यहाँ पे क्या लगेगा लाभान की भागीदारी यहाँ पे है, लाभान को लिखा तो यहाँ हस्तांतरण, ये जो मतलब कि अमित बाबू चारू इन तीनों में मतलब कि नियोजन के द्वारा जो बांटना है अमाउंट को यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या क्या लिखा जाएगा यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसमें माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो है ये हस्तांतरण जो बांटा हुआ है इन तीनों में अमाउंट को बांटा है जो अमित बाबू चारू में, तो ये अमाउंट जो है इसको हमको निकालना पड़ेगा, ये जो अनुपात दिया हुआ था उसमें इसको लाभ को जो है इसमें प्रॉफिट है प्रॉफिट को इसको कुछ करना होगा, यानी कि इसको निकालना होगा, इसके बाद हमें इन सब में बांटना होगा, तो इतना अमाउंट हमको लाना होगा बांटने के बाद, तो यहाँ पे हम ऊपर देखते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि अनुपात हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे अनुपात दिया है 3:2:1 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे इन अनुपातों को तीन जो कि यहाँ पे अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट नहीं है, और यहाँ पे क्या हुआ कि 3:1 ये है 3:2 यहाँ 1 दिया हुआ है, तो इसको क्या करना होगा इसको हम जोड़ देंगे, एक 3 और 2 कितना हुआ 3+2 कितना होगा 3+2 5 होगा, 5 यानी कि 5 होगा, 5+1 कर दोगे तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा 6 आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि
तीन अनुपात दो अनुपात एक, एक करने के बाद यहाँ पे सिक्स सिक्स लिखेंगे। और इस जितना हमारा अमाउंट है, यानी कि कहा गया है कि इसमें जो हमारा निकला था प्रॉफिट, उसको इन सबों में करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करके इन सबों को निकालेंगे। इसमें हम पता चल जाएगा फिर कि हम करेंगे सॉल्व। क्या करना है इसको कि ये जो अमाउंट है हमारे यहाँ पे दिया हुआ है नीचे 12,000, 12,000 अमाउंट दिया है, तो इस 12,000 अमाउंट को क्या करेंगे कि तीन अनुपात दो अनुपात एक को कुछ कुछ कर करके, एक एक कर करके हम इसको निकालते हैं कि कितना बंटवारा हुआ है हर एक साइड में। तो इसको बंटवारा करने के लिए क्या करेंगे हम कि तीन अनुपात दो अनुपात एक है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट 12,000, एक दो तीन, अमाउंट कितना है यहाँ पे 12,000, गुणे कितना होगा यहाँ पे 12,000 गुणे कितना पे तीन होगा, तीन बटे यहाँ पे छः होगा। तो कितना कटता है ये, कितना से कटेगा, छः दुना बारह, छः दुना बारह कटा, ठीक है, छः दुना बारह कटा, छः दुना बारह ये हो गया 2,000 अमाउंट हमारे यहाँ पे आया। 2,000 अमाउंट आने के बाद, 2,000 अमाउंट आने के बाद इसको जो 2,000 अमाउंट है, एक दो तीन, 2,000 अमाउंट है इसको, ये जो अनुपात है तीन, इसको तीन से हम गुणा कर देंगे, तो ये जीरो होगा, जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद क्या करेंगे कि तीन दुना छः होगा, यानी कि 6,000 यहाँ पे हमारा अमाउंट है। तो यहाँ पे 6,000 राइट अमाउंट, 6,000 अमाउंट राइट है यहाँ पे, 6,000 अमाउंट, 6,000 जो हमारा अमाउंट है ये अभी का है, फर्स्ट है, 6,000 अमाउंट यहाँ पे आया, करेक्ट आया 6,000 अमाउंट यहाँ पे, 6,000 अमाउंट जो आया ये अच्छा आया, 6,000 अमाउंट ठीक है। और यहाँ पे हम दूसरा का निकालेंगे, क्या निकालेंगे दूसरा का निकालेंगे, फिर दूसरा कितना है, तो इसका अनुपात कितना करेंगे, 1,200 कितना आया था हमारा, 12,000 का कितना आया था मेरा नहीं पता है, याद नहीं है, ठीक है, तो 12 कितना है, 12,000 का कितना निकला है, और 12,000 का कितना 2% करना है। अब क्या करेंगे कि इसको फिर से करेंगे, आपको फिर से बता रहा हूँ, 12,000 एक दो तीन, 12,000 गुणे दो बटा सिक्स करेंगे, सिक्स में हमारा आया था वो आया था, तो यहाँ पे करने के बाद हमारा क्या आया बराबर, हम यहाँ पे लिखेंगे छः दुना बारह, ठीक, यहाँ पे छः दुना बारह गया, ये जीरो जीरो उतर, यहाँ पे जीरो कटेगा नहीं, करेंगे ठीक है, जीरो जीरो आया, तो यहाँ पे 2,000 हमारा अमाउंट है, 2,000 अमाउंट को यहाँ पे हम 2,000 अमाउंट को एक दो तीन, 2,000 अमाउंट को इसको दो से गुणा कर देंगे, यानी कि एक दो तीन, दो दुना चार, यानी कि यहाँ पे 4,000 हमारा अमाउंट यहाँ पे करेक्ट आया, 4,000 अमाउंट आया। 4,000 अमाउंट आने के बाद इसको फिर से क्या करेंगे कि 2,000 एक दो, 2,000 गुणे को एक से कर देंगे, तो ये एक जीरो जीरो है, दो एकम 2,000, तो यहाँ पे अमाउंट हमारा 2,000 आएगा, ये अमाउंट भी राइट है। तो इन सब जोड़ने के बाद कितना आएगा, इसको इसको जोड़ने के बाद हमारा कितना आएगा, छः छः चार चार दस आया, 2,000 है, छः चार 10,000, 10,000 12,000, यहाँ पर टोटल 12,000 अमाउंट है, सबको बराबर बराबर मिलेगा, फिर अनुपात के हिसाब से बराबर बराबर मिलेगा, ठीक है। तो अनुपात यहाँ पे 6,000, 26,200 कहाँ से है, 26,200 दो, 26,200 यहाँ जो, तो इसको क्या किया कि यहाँ पे लिखने के बाद इसको 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 इससे अमाउंट घटाएंगे, घटाने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा उसे हम ऊपर लिख देंगे, 26,200 को घटाते हैं, 26,200 घटाने के बाद 12,000 को 36,200 से घटाते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अमाउंट आया 24,200, 24,200, तो हमारा आंसर यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करेंगे दो लाइन, और यहाँ पे ऊपर करेंगे, और यहाँ पे 24,200 यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे अमाउंट लिखेंगे, और यहाँ पे अमाउंट लिखने के बाद हम इसको सोल्व हो गया है हमारा, कंप्लीट हो गया, अब इसको हम दिखा सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं, दिखाना हो तो, ठीक है।